बाबा चित्रों में श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाते है क्या? सीधा नहीं दिखाते, उसका एक पैर पे रहता, एक ही पैर पर खड़ा हुआ दिखाते है श्री कृष्ण को। कभी कोई आध्यात्मिक रहते है क्या? प्रवृत्ति मार्ग है कि निवृत्ति मार्ग? प्रवृत्ति मार्ग। तो दोनों पाँव को खड़ा होना चाहिए कि एक पाँव पे? जैसे कि आत्मा अम्मा है कि बप्पा है? अकेले ही गीता का भगवान बन के खड़ी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? तो भक्ति मार्ग की गीता में ऐसे भक्ति कहते हैं। तो पहली बार ही बाप का परिचय देते हैं ना मूर्ति में, तो त्रिमूर्ति शिव है ना, तीन मूर्तियों के साथ आता है, तो फिर विष्णु में तो आता नहीं है ना, विष्णु में तो शिव नहीं प्रवेश करता है, पवित्र है इसलिए, तो फिर वो त्रिमूर्ति नहीं होता है ना, फिर वो आने की बात कहाँ बताई? ये बताया कि मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, तीन मूर्तियों में आता हूँ, ऐसा भी किसी मुरली में नहीं कहा। तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। बाबा भाई जब शुरू में ज्ञान में आया तब अमृत वेले को मुझे बाबा दो तीन बार जगाते थे, आप दूसरे एक ही बार जगाते थे। पहले तुम सत्व प्रधान बच्चे थे, छोटे थे, विकार विकार नहीं थे, महात्मा बच्चे थे, जगाने के। हाँ पहले महात्मा थे, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है विकारी बन जाता है, बाप छोड़ देता है। और घूमना पड़ेगा मेरे को। कौरव और यादव लड़ाई लड़ते हैं, पांडव लड़ाई लड़ते नहीं। पांडव कितने? पांडव थोड़े हैं, इसलिए डर के समझते हैं ना कि हम लड़ाई लड़ेंगे हमारे हाथ पांव टूट जाएंगे, इसलिए थोड़े पांडव सिर्फ योग बल में रहते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं। थोड़े होते हैं, थोड़े मतलब बहुत मैंने मुख्य बात है, बहुत थोड़े हैं ना के बराबर। पांडव माने पंडा के बच्चे, क्योंकि एडवांस पार्टी में भी तो भांति भांति के बीज रूप आत्मा है, सब पंडा के बच्चे हैं क्या? हैं? बाकी सब कौरव और यादव हो गए एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में भी यादव कौरव बहुत है, बाकी सब हो गए, वो थोड़े से छोड़ के एकदम, थोड़े से जो है वो जो पंडा के बच्चे हैं वो पंडो को पंडा को फॉलो करेंगे, जो औरों के बच्चे हैं वो औरों को फॉलो करेंगे। वो लड़ाई लड़ेंगे मतलब क्या करेंगे? पांडव थोड़ी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं कौरव और यादव, कौरव यादव आपस में लड़ मरते हैं, क्या होगा मतलब प्रैक्टिकल में खराब हो जाएंगे। मतलब ज्ञान की लड़ाई लड़ते बैठेंगे योग बल का आधार, ज्ञान की लड़ाई नहीं, यादव कौरव बाहुबल की भी लड़ाई लड़ते हैं। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। ये दो माता की आंखें आई ना सेंटर में, सेंटर से इसके घर पे आई, कौन सेंटर इंचार्ज में? हाँ बाबा के उधर कंपनी जाके आई ना, तो वो बोले कि अरे वो घर में आके कुछ करेंगे क्या? तो भाई वही कुछ नहीं करेंगे क्या, घर में इतनी बात है, सब तो सबके पीछे तो वो डेरा डाल दिया है। जवाब देना हमारा चुक लेना पड़ेगा। हाँ तुम क्या चेक विकेट लाए वो सब हमारे इधर ला के दो, हम सब जाना देंगे। जला देंगे तो मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने सारे शास्त्रों को जलाया ना, तो तुम भी जला रहे, तुम्हारा बस चले तो हमारा बस चलेगा, हम छुपा देंगे। चलो और बाबा संगम की शुरुआत कब मानी जाएंगे? ब्रह्मा का साक्षात्कार, ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ तब से क्या ब्रह्मा के शरीर में शिव परमात्मा प्रवेश हो गए तब से? संगम को क्या मान जाएंगे?
संगम युग 100 साल का बताया ना, कब से संगम युग 100 साल का बताया? हाँ, कब से शुरू होता है साक्षात्कार होता है तब से, क्या बाबा की प्रवेशता होती है तब से? संगम युग तो तब से ही शुरू होता है जब से साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार कराए किसने और किस लिए कराए? नई दुनिया की स्थापना के लिए साक्षात्कार कराए ना, और तो कोई बात नहीं थी। तुलसीदास को सूरदास को साक्षात्कार कराए, वो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए नहीं कराए। और दादा लेखराज को जो साक्षात्कार कराए उनके पीछे रहस्य यही था कि नई दुनिया की स्थापना करानी। बॉम्बर्स के जो नजर है वो किस बात के नजर है? बॉम्बर्स अभी हो रहे हैं बम्बई में या? तो ऐसे तो वो रिहर्सल होती रहती है, कोई बड़ी बात है? एक दिन बम ब्लास्ट हो गया, दूसरे दिन सब सामान्य हो गया। बाबा जब कबीर की आत्मा है वो किसकी है? तो जो उनके जो गोबे है इतने अच्छे हैं, बहुत फिलोसॉफी के साथ अपने ज्ञान से बहुत मिलते हैं। हाँ, फिर उनके फॉलोअर्स ज्ञान की बातें सुनते क्यों नहीं है? गुरुओं में काय के लिए फंसे हुए हैं? कबीरदास ने भी जब भगवान आया होगा तो ज्ञान सुना होगा और अच्छी तरह धारणा की होगी, क्योंकि सूरदास और तुलसीदास का जितना नाम है उतना कबीरदास जी का भी नाम। वो भी निकलेंगे नेपाल में, अभी कबीर पंथियों के फॉलोअर्स निकल रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उनमें आपस में बवंडर फैल रहा है। वहाँ तो कंपिल में तो यज्ञ कुंड बना दिया है कि द्रौपदी इस यज्ञ कुंड में से निकली। वास्तव में वो स्थूल ईंटों की यज्ञ कुंड की बात नहीं है, ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है, जिस ज्ञान से ये बात साबित हो जाती है कि यही द्रौपदी है, कोई दूसरी द्रौपदी नहीं हो सकती। द्रुमपदी क्या? जिसका पद ध्रुव है, कोई उसके पद को हिला नहीं सकता, तो ज्ञान से ये बात सिद्ध होती है। नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। रामायण में लक्ष्मण को बंधु प्रेम बहुत दिखाया है, है? लक्ष्मण को क्या कहा है? बंधु प्रेम। बंधु दादा भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार होता है। हाँ, तो हुआ ना ठीक है, वो उसका मतलब क्या है? तो भाई भाई का प्यार हुआ ना, तो यार जो इस्लामी और क्रिश्चियंस हैं उन्होंने तो विरोध किया, लेकिन जो बौद्ध धर्म की आत्मा है, बौद्ध धर्म का बीज है, विरोध तो नहीं करता। तो इसने है तभी तो विरोध नहीं करता, सारी दुनिया तो विरोध करती है। और एक वाणी में बाबा ने कहा है, जहाँ अपवित्रता का अंश मात्र भी है पवित्र बाप की याद ठहर नहीं सकती। तो जब याद ठहरती है तो ये समझना चाहिए कि अपवित्रता का अंश भी नहीं है, तो समझना चाहिए क्या? याद तो भक्ति मार्ग में और जो आशिक मासूक होते हैं भक्ति मार्ग के उनकी भी ठहरती है, तो क्या कहा जाए? है याद में पवित्रता चाहिए। हाँ, याद में जो प्योरिटी है वो प्योरिटी तभी आएगी जबकि हम एक बाप को याद करने की प्रैक्टिस में पक्के हो जाएं कि कुछ टाइम तक सिर्फ एक की याद रहे, दूसरे की याद बीच में इंटरफियर न करने पाए। लेकिन बाबा तो कहते कि अंत समय सभी की कर्मातीत अवस्था होगी। अंत समय होगी ना, अभी तो नहीं, तुम तो अभी की बात बता रहे हो। अभी की बात थोड़ी है, है? हम इस समय जब माया परीक्षा ले लेगी, माया की फाइनल परीक्षा में हम पास हो जाएंगे। बाबा पूरी आत्मा ने भक्ति की, बाबा से फोन पर बात भी की, लेकिन बाद में आनी छह बन बुद्धि बन पड़ी, तो वो आत्मा 4.5 लाख की लिस्ट में आ सकती है। कैसे आएगी? जब तक दोबारा ना आए, है? कोई ईंट है पकाई जाती है,
पकते पकते खंजर हो जाती है, कच्ची रह जाती है, तो फिर जो मकान बनाया जाता है उसे वो ईंट लगाई जाती है क्या? नहीं लगाई जाती। ऐसे यहाँ भी है। बाबा लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ना, उस पे लक्ष्मी नारायण के नीचे जो लिखा है कि विश्व महाराजन नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी। लेकिन जो सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी के चित्र में कृष्ण के पश्चात जो लक्ष्मी नारायण लिखा है ना, तो वहाँ लिखा हुआ है कि विश्व नहीं महाराजन स्वयंवर पश्चात महाराजन नारायण और महारानी लक्ष्मी, ऐसा दोनों में लिखा है, तो दोनों भी अलग अलग हो गए कि नहीं? लेकिन बात समझाने में हमें एक गए प्रूफ दिखा सकते हैं ना हम कि ये अलग अलग है, ये लक्ष्मी नारायण अलग है और ये लक्ष्मी नारायण अलग है। हाँ जी दिखा सकते हैं, वो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी दिखा सकते हैं और उसमें भी दिखा सकते हैं। नहीं लेकिन वहाँ विश्व महाराजन लिखा है, यहाँ तो विश्व महाराजन नहीं लिखा है ना, महाराजन सिर्फ लिखा है महाराजन नारायण। तो वो तो वो जहाँ लेवल लिखा हुआ है महाराजन, वहाँ सतयुग की सीढ़ियों के अंदर लिखा है या बाहर लिखा है? सतयुग की सीढ़ी के अंदर लिखा है। अंदर तो सतयुग में विश्व होता है क्या? सतयुग में होता ही नहीं, वहाँ विश्व की बात ही नहीं, विश्व महाराजन की भी बात नहीं। हाँ समझाने के लिए कि कृष्ण की जो सोच है राधा लेकर जोली, वो सतयुग का पहला नारायण बनती है ना। अब तो शरीर ही छोड़ गई, जो शरीर ही छोड़ गई वो तो बनेगी ना। और ये असंग में उसकी बात हो जाती है ना इधर की, लक्ष्मी नारायण विश्व जो विश्व महाराजन बनता है वो तो विश्व महाराजन होना चाहिए, तो उनको जीवित होना चाहिए। शरीर छोड़ गए तो फिर वो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? समझाने के लिए ऐसा बता सकते हैं ना। हाँ जी हाँ, एडवांस नॉलेज का अगर पेपर में न्यूज पेपर में दिया जाए तो उसका एड्रेस कौन सा देने का, और इसका फरोखाबाद या इधर कौन सा एड्रेस देने संपर्क? पेपर में पैसा दे करके देंगे या बिना पैसा लिए देंगे? बिना पैसे है, बिना पैसे तो दिया क्यों नहीं अभी तक? सितम्बर तक से मैंने बात किया, बोले मैं छपा देंगे हैं, कल बात किया तो तुम एक बात लिख करके देंगे वो दूसरी बात लिख देंगे, इसलिए अखबार वालों को समझाओ। अखबार वालों की अपनी बुद्धि में बैठ जाएगा तो वो अपने आप मैटर बना करके डालेंगे। बेसिक ज्ञान उनको दिया है, अभी एडवांस देंगे, बेसिक दिया है, बेसिक एडवांस मिक्स करके देना, अभी तो टाइम ही नहीं है कि बेसिक साथ देना लग जाए फिर एडवांस साथ देना लग जाए। बेसिक वाले हमेशा उस पेपर में सबके देते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए आपको एडवांस देना है, इसलिए उनको जो बेसिक वाला अखबार समझ चुका है हाँ। बेसिक नॉलेज को उसको एडवांस नॉलेज समझा दो तो वो अपने आप दे दो। विश्व महारानी और विश्व महाराजा तो वो वैष्णवी के लिए है, वैष्णवी के लिए है ना मैडम? विश्व महारानी वैष्णवी के लिए है, वैष्णवी है ना, तो जगत माता इनका टाइटल है जगदम्बा, तो फिर जगत माता जगत पिता के साथ है इधर, जहाँ जगत है वहाँ जगत पिता है, विष्णु सारे जगत के साथ है या सिर्फ श्रेष्ठ आत्माओं के साथ है? विश्व महाराजन कैसे? विश्व महाराजन जब बाहर उसको तो पार्ट दोनों तरफ है ना, विश्व पिता है तो विश्व में भी पार्ट बजाता है, पिता जो है वो सब बच्चों के साथ परम धाम जाएगा या देवात्माओं को लेके चला जाएगा? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को साथ लेके जाएगा ना, तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की उसकी जिम्मेवारी है, तो सारे विश्व की जिम्मेवारी हुआ ना, इसलिए वो विश्व पिता का भी पार्ट बजाता है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ विष्णु की तरह देवताओं का भरण पोषण करेगा, देवताओं का भरण पोषण करना सिर्फ विष्णु का काम, और सारे विश्व का भरण पोषण करना विश्व पिता का काम। तो टाइटल मिल जाता है विश्व नारायण पिता को,
विश्व महाराज अंदर। हाँ जी चार सौ चौदह नंबर की सीढ़ी में बोला है। नंबर छोड़ दो। शंकर जो है वो पूरे इसमें चार जोड़ीदार बनाता है संगम में। जो चार जोड़ीदार बनाता है, जो चौथा जोड़ीदार है वो उसके बराबर पुरुषार्थ ही रहता है। चौथा जोड़ीदार उसका जो चौथा जोड़ीदार है जो आने वाला है वो समान पुरुषार्थी रहता है, उसकी वजह से स्वर्ग स्थापन हो जाता है। पहले जो तीन रहते हैं वो लुंजुम पुंजुम रहते हैं, उसके जैसा उनका पुरुषार्थ नहीं रहता। तो वो तीन कौन कौन है? एक तो जगदम्बा हो गई, दूसरे दो कौन है? यज्ञ की आदि में थी और फिर ब्रह्मा मेरी ज्योति है, ये ब्रह्मा भी मेरी ज्योति है। ब्रह्मा भी ज्योति है और फिर उसके बाद एडवांस पार्टी में भी, ये तो बेसिक नॉलेज की बात हो गई, एडवांस पार्टी में भी यमुना भी बनती है और यमुना के साथ साथ फिर जगदम्बा भी बनती है। बड़ी मम्मी को दुख मिलना है कहाँ कब है? बड़ी मम्मी को मिलना है, छोटी को नहीं मिलना है। पूना में क्यों नहीं आती? कौन बड़ी मम्मी? बुलाओगी तो आएगी। हाँ जाके बुला के लाओ, ऐसे थोड़े ही है, मनसा नहीं, मनसा से आ जाती, मनसा से बुलाती है तो मनसा से आ जाती। बौद्धि अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ ना। बौद्धि का बीज क्लियर नहीं हुआ है? ऐसे ही सीढ़ी के चित्र में दिखा दिए, चारों कुमार सीढ़ी के चित्र में जो दिखा दिए हैं 40 वर्ष का संगम युग पूरा होने के बाद वो फालतू दिखा दिए? नहीं है, चारों चित्र दिखाए हैं तो उनका पार्ट 40 वर्ष का संगम युग पूरा होने के बाद चला होगा ना। भी अभी नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आधार मुझको नहीं। क्यों नहीं बताया? ये कि पहले पहले चार घोड़ों की गाड़ी चलाते थे कलकत्ते की तरफ, बताया है ना? हाँ, वो आदि में भी थे। इशारा नहीं दिया कौन? इशारा दिया है तभी तो बताया, सीधी किसी तरह इशारा दिया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं? वो पढ़ते ही नहीं है, सारे निवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। क्या जब अपने को समझ जाते हैं एक बाप दूसरा न कोई, संपन्न स्टेज जब बन जाती है उनका, दुनिया में कोई के साथ मोह नहीं रहता, तब वो अकेले हैं। अभी थोड़े ही अकेले हैं, उनको तो प्रवृत्ति मार्ग का आज से लेके अंत तक पाठ बजाना। चंद्र को पतिर नहीं कहेंगे, फिर बोल रहे हैं कि चंद्र को पतिर नहीं कहेंगे, तो याद में क्यों बैठा है? याद में इसलिए बैठा है कि ब्रह्मा की सोल जो है वो ही शंकर का पार्ट बजाने वाली। क्या धर्मराज शंकर है कौन? ब्रह्मा की सोल है। तो शंकर को पतिर नहीं कहेंगे मतलब राम को पतिर नहीं कहेंगे क्या? है शंकर जिसका नाम है वो एक आत्मा का पार्ट है या तीनों आत्माओं का पार्ट है? कुछ कुछ जगह पे शंकर मतलब राम ऐसा कुछ
कुछ कर सकता है। तो अपने अपने तरीके से समझ लेते हैं, बाबा जो कहते हैं उसको उसी तरह से समझना। शंकर और प्रजापिता एक थोड़े ही है, प्रजापिता अलग है। प्रजापिता पतित को कहा जाता है और शंकर है शंकर पवित्र को कहा जाता है। शंकर को तो अपवित्र बताया ही नहीं किसी वाणी में। बाकी जो जानवर है वो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। हाँ ठीक है, 50,000 सब पक्के सूर्यवंशी नहीं हुए? 9 ग्रुप में बांट दो, 4.5 लाख को कितने ग्रुप में बांटना है? 9 ग्रुप में बांट दो। और बाबा फिर उन पक्के हुए सूर्य सूर्य को फॉलो करेंगे, और किसी को फॉलो करने वाले होंगे नहीं? बाबा ने कहा है कि सभी दंडों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय दंड है, तो अपने शरीर दर्द के लिए कम से कम पेट पानी के लिए कितना समय देना चाहिए? 8 घंटे दिया तो भी जरूरत ही पूरी नहीं होती, किसी को 12 घंटा देना पड़ता है महंगाई के हिसाब से और मजदूरी के हिसाब से। तो लगता है कि मैं 4 घंटे जो बाकी के घंटे सेवा करूँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा पूरी होती है ना, इसलिए 8 घंटा 12 घंटा देना पड़ता है। बाबा ने तो कहा 8 घंटे सेवा करो, 8 घंटे काम करो और 8 घंटे अपना ऐसा कैटेगरी किया है, लेकिन ये नहीं होता, गलत ग्रस्थी है ना है? ग्रस्थी है माना ग्रस्थियों को भार होता है ना, जो पीछे पीछे और है आधीन रहने वाली आत्मा है उनकी परवरिश करनी है ना, कर्तव्य ज्यादा रहने से ज्यादा समय देना पड़ता है। हाँ तो अब ज्ञान में आने के बाद अगर ये निश्चय कर लेंगे कि हम बाप की सेवा में लगेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और हमारे परिवार का भी कल्याण होगा, तो अकल्याण होने का सवाल ही नहीं है। निश्चय चाहिए इतना नीचे है फिर पेट की क्या चिंता परिवारों का है ज्यादा, जो परिवार के बच्चे हैं वो बाप के बच्चे नहीं है, है? के लिए ज्यादा समय देना पड़ता है। नहीं, जो परिवार के बच्चे हैं वो बाप के बच्चे नहीं है, मतलब सब ज्ञान में चल पड़े। जो भी परिवार के बच्चे हैं वो सब ज्ञान में चल पड़े, नहीं फिर कहाँ कहाँ बच्चे चलेंगे जरूर ना। हाँ वो तो बाबा ने कहा कि पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा है, बाबा ऐसा कर लेना कि एक ज्ञान में चले तो सारा परिवार ज्ञान में चलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन कोई तो चलते है और तो कुछ दिनों के बाद तो वो भी उनका अनिश्चय हो जाता है। हाँ, तो उनके परिवार का भी अनिश्चय हो जाएगा। नहीं यानी फिर वो ज्ञान में आए ना आए एक ही बराबर हो, तो जैसे वो होंगे वैसे उनके एक्सीडेंट बन जाएंगे। 10-10 साल क्योंकि मुरली में थे ना, बड़े बड़े महारथी भी छोड़ गए, तो जब बड़े बड़े महारथी कहाँ जाते हैं तो इसका मतलब उनका निश्चय हुआ, इसलिए तो बड़े महारथी बन गए, और फिर भी फिर उनका वो बेचते छोड़ देते हैं। तो फिर क्या तो छोड़ देने के बाद दोबारा आते नहीं है क्या? उसी जन्म में छोड़ देंगे। अच्छा, तो उसी जन्म में नहीं अगले जन्म में आवेंगे? एडवांस में तो ये निश्चित है, इनकी बुद्धि में बैठ गया कि हमको तो कंचन काया बनानी है। वो दूसरे जन्म में आएंगे, लेकिन उनके परिवार का क्या? उनके परिवार वाले भी आएंगे। बाबा ने जो बोला है वो तो पत्थर की लकीर है। और Thank you.
बाप दादा है, तो बाप दादा अनाउंस करेंगे बाप दादा क्या करेंगे अनाउंस करेंगे अलाउ करेंगे कि मदद करेंगे अलाउ करेंगे अलाउ क्या बाप दादा अचानक होगा तो अनाउंस क्यों करेंगे हैं नंबर तो आप परीक्षा के आधार पर बनेंगे जैसे जो परीक्षा में पास होगा उतना नंबर बनेगा परीक्षा में फेल हुआ फाइनल परीक्षा तो नंबर नीचे गिरेगा फाइनल परीक्षा हुआ फिर लगता बोला है हाँ तो आपने लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार का कोई भी हो लोहे की जंजीरों से भी तो सोने की जंजीरों से भी दोनों से परीक्षा तोड़ना है क्या नहीं नहीं जो उनको लोहे की जंजीरें तो पहले ही टूट गई होंगी है डल होंगे तो उनकी लोहे की जंजीरें अभी भी बनी हुई होंगी ज्ञान उतना बुद्धि में धारण नहीं किया है तो यही बुद्धि में आता है ज्ञान अगर बुद्धि में धारण है तो समझ लिया कि हम तो आप हुए मर गई पुरानी दुनिया ये तो वैसे ही खलास होने बाबा जब योग में बैठते हैं जब पहले ज्ञान की बात चलती बुद्धि में बाद में वो भी नहीं चलती हम उनको क्या बोलते हैं अच्छा तो है ज्ञान की बात चलना और फिर बाद में बाबा की याद आती है ज्ञान सारा उड़ जाए तो ज्ञान तो वैसे भी अंत में सारा उड़ जाएगा वो एक बाप की याद रह जाएगी और सारा ज्ञान गिनती में समझ आए परमधाम वासी बनेंगे आबू अब्बा के घर के वासी बनेंगे तो वहाँ सिर्फ बाप ही याद रहेगा या कुछ और याद आएगा बाप याद आएगा अब यू की वाणी क्या है कि ये सब बंद हो क्रांति में हवा बाहर की दुनिया में अभी जो वातावरण चल रहे हैं है? उसके अंदर साक्षी भाव को धारण करना जरूरी है, है? तो इसकी विधि क्या है कैसे अपनाएं इस बात को आपकी स्थिति में रहेंगे तो वो दुनिया दिखाई नहीं पड़ेगी आप मुझे मर गई दुनिया वाले वो दुनिया पहले ही खत्म हो गई अब रही कहाँ हमें तो मालूम है वो भस्म होने वाली दुनिया है तो उसमें बुद्धि क्यों लगाएं जो चीज़ भस्म होने वाली है उसमें बुद्धि लगाई जाती है क्या जो आने वाली दुनिया सामने खड़ी है उसमें बुद्धि लगाना है कोई मकान बनता है तो बच्चों की बुद्धि नए मकान में जाती है या पुराना मकान जो छोड़ने वाले हैं ये गिरने वाला है गिराने वाले हैं उधर बुद्धि जाती है तो ऐसे ही समझना है पुरानी दुनिया से वैराग लाना है अभी से हमारा कनेक्शन खत्म हुआ हिसाब किताब पूरा हुआ अभ्यास और वैराग स्मृति का अभ्यास बार बार माया भुला लेगी स्मृति करा देगी बार बार स्मृति में आना और दूसरा उस दुनिया से बहरा खलास होनी है दुनिया हमारे काम की है ही नहीं ज्यादा ही हम काम निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमको ही धोखा दे देंगे और दे भी रहे डॉक्टर वो बहुत गहराई में जाने वाले हैं वो सबसे बड़ा फिलोसोफर है बोले और सबको बुद्ध बनाता है सबसे बड़ा फिलासफर है तो माना जो फिलासफर होते हैं वो सबको बुद्ध बना देते हैं दुनिया को तो दुनिया में फिलासफर तो बहुत है डॉक्टर का फिलासफी का पद लेने वाले तो ढेर सारे कुमार का दादी भी तो है तो वो बुद्ध क्यों नहीं बना रही वो सारी दुनिया को बना रही है बाप के पीछे बुद्धू क्यों नहीं बनाती
बाप के पीछे पागल हो जाए ऐसे क्यों नहीं बनाती है? कौन देखते ही नाम ही बेहद में रख दिया इंदिरा गांधी। तो ये इंदिरा गांधी का राज्य चल रहा है वहाँ? अब इंदिरा गांधी का भी राज्य नहीं है। बाबा ने बोला है जब पांडव जो है जब तक गार्ड बन करके रहेंगे शक्तियों की तब तक ये कि ठीक चलेगा, और जब पांडव गार्ड की जगह गाइड बन जाएंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। तो जगदीश भाई और ये जो बड़े बड़े भाई थे उन्होंने पहले ही मुट्ठी में कर लिया था दादी दीदियों को, और रविंद्र भाई ने ये बात साबित कर दी। कंपनी में भर्ती करने के बाद सीधे दादी के पास पहुंचे, दादी से कहा ये तो एडवांस नॉलेज तो बिल्कुल पक्की और सच्ची है दादी, कुछ करना पड़ेगा। दादी कहती है वो जगदीश भाई से पूछो जाके। तो किसकी मुट्ठी में हो गई? जगदीश भाई की मुट्ठी में हो गई। अभी तो जगदीश भाई के भी बाल बच्चे हैं, वो सबको मुट्ठी में किए बैठे। अभी तो दादी की तबीयत बहुत खराब है। इतने सारे लोग ट्राई करते हैं पकड़ने के, पकड़ में क्यों नहीं आता? वो कहता है ना ला दे ना तेरे पास जो कुछ है। छुपाई का ही बैठा है, मैं आया ही हूँ इसीलिए। क्या कनबंधन सब तेरा कुछ नहीं मेरा? बाबा एक माता जी ने निश्चय पत्र लिख के दिया है, 3 महीना हो गए लेकिन वो संगठन को नहीं आती, तो उसको कंप्लीट भर्ती कराने के लिए लेके जाना है। कौन सी समय नहीं, कारण क्या है तो वो नहीं आती? समय नहीं मिलता मुझे। बांधेली माता है, बांधेली माता है और समय नहीं मिलता है, दो बातें हुई ना। समय नहीं मिलता मैंने काम में बहुत बिजी है, और बांधेली माता है ना मैंने कोई के बंधन में है। हाँ वो सेवा करती, बेसिक गीता पाठशाला में जाके सेवा करती है। बंधन में कहाँ है? हाँ ये कहो ना कि उधर के बंधन में है। हाँ उधर के बंधन, डबल बंधन में है, बेसिक नॉलेज बेसिक वालों के भी बंधन में है। मुक्ति उधर ही बंधी हुई है, आपने ठीक से समझा नहीं पाया। नहीं मैंने नहीं समझाया, वो बहन जी ने समझाया, बम्बई से आई थी वो उन्होंने समझाया। तो वो बोले कि मैं तो एडवांस नॉलेज गीता पाठशाला में दे सकती लेकिन वो दीदी जी मुझे बहुत डराती है धमकाती है, घर में आकर उल्टा पुलटा बोलती है, इसलिए मैं डरती है। सब डरती है ना, तो पूर्व जन्म के संस्कार डरने के है ना, कई जन्म के जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होती है वो राजा से डरती है। अगर लिख के दिया तो कागज तुम पीछे पड़े हो, लिख के दो लिख के दो लिख के दे दिए है। कमजोर आत्मा जैसे जीत जाती है उसे डरती है, वैसे तुमसे भी डरती है। पता नहीं ये बाबा जाने क्या कह देंगे जाके। बुद्धि में नहीं बैठा है तो वो अपने आप भागेंगे नहीं।
बुद्धि में पूरा परिचय बैठेगा तो भागवत मचा देंगे। कोई अर्जा नहीं, संदेश दिया नहीं आए तो प्रजा तो बन गए हैं। तो भी प्रजा बन गई, संदेश दिया ना आपने कि बाबा आया हुआ है साकार में है, है? ब्राह्मण दुनिया में विनाश होने वाला है। हाँ संदेश पूरा दो, नई दुनिया आने वाली है, नया संगठन बनने वाला है, पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया खलास होने वाली है, है? और बाबा देखी से अपना तो ज्ञान दिया, बाबा का परिचय दिया और वो कैसे रोजाना देखती है और अमृत वेला भी होती है तो, लेकिन कोर्स नहीं किया उसने, तो चलते है बाबा? कोर्स नहीं किया तो फोर्स कैसे आएगा? आत्मा है तो उसने सुन लिया बाबा का, बाबा की शक्ति है जैसे भक्ति मार्ग में सुनते हैं ऐसे यहाँ भी सुनते हैं तो वैसा नहीं, क्या हाँ? नहीं देना है बाबा की भक्ति मार्ग, नहीं क्यों नहीं देना, मांगती है तो दो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा ना, एडवांस कोर्स की भी तो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं तो हाँ बाबा अगर किसी से संस्कार शक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना चाहिए माना कैसे? किसी से संस्कार टकराते हैं और अपने को कमजोर समझते हैं, बार बार हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या जी से घृणा आता है तो फिर किनारा कर लेना चाहिए। लौकी घर में तो माताओं की बात हुई ना, तो माताओं को लौकी घर में तो बाबा ने तो बता दिया कि एक ने एक दिन ज्ञान में निकलेंगे तो तुम्हारी गीता पाठशाला हो गई, तो गीता पाठशाला में माता माँ को तो ब्रह्मा को फॉलो करनी चाहिए, ब्रह्मा ने ज्ञान दे दी लेकिन सहन करना नहीं छोड़ा। छोड़ देना चाहिए ना, हर बात है बाहर दुनिया में भी हिसाब किताब, वहाँ एक गुना चलता है यहाँ सौ गुना चलता है। ग्रामों में जो 5000 वर्ष जो अपने बारे में जो हुआ है वही होने वाला है, बिल्कुल वही हू बहू वही होने वाला है। तो फिर हम कैसे आगे का क्या आगे का है क्यों आपको मालूम है कि ग्रामों में वही होना है, फिर आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे ना बाबा? हाँ कैसा है खाना खाने का पुरुषार्थ करेंगे, पेट में खाना देने का पुरुषार्थ करेंगे, बुद्ध रूपी पेट में खाना देने का पुरुषार्थ बंद कर देंगे। हाँ कैसा है क्या हूँ बहु रिपीट होना तुम्हें पता है? उस 83 जन्मों का जो पास्ट हो चुके हैं उनका पता है तुमको? हाँ तो उनको उनसे पूछो कि 83 जन्म जो पास्ट हो चुके हैं या जो आगे 83 जन्म आने वाले हैं उनका तुम्हें पता है? जब पता ही नहीं है तो क्या रिपीट होने वाला है? अच्छा करोगे तो अच्छा रिपीट होगा, अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो अच्छा रिपीट होगा, व्यर्थ पुरुषार्थ करोगे टाइम वेस्ट करोगे तो बुरा होगा।
अपने आप थोड़े ही तो फिर खाना क्यों खाते हैं? जाते हैं खाना खाना होगा तो खाए लगे जाए बैठे रहो आराम से। खाने के लिए नहीं मानेंगे ये बात हम नहीं मानेंगे। खाने पीने भोग भोगने की कोई बात हम नहीं छोड़ने वाले। पूरे देवता है उन्हें भोग जरूर चाहिए। बाबा एक माता ने ज्ञान सुना और पंछी को जाने को भी तैयार थी फिर और खोज भी कर लिया और बाद में जो अपनी वाणी कर लिया अपनी वो पॉइंट सुनाओ कि बाबा ने ये भी तो बोला जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बना लेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो मधुबन किसे कहा जाता है तू बताओ? जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है फिर है वो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ज्यादा पीछे क्यों करना चाहिए? हमारे कुल का होगा तो हम थोड़ा सुना देंगे फट से खिंच आवेगा। जो हमारे खून का होगा वो तो थोड़ी सी बात हम सुनाएंगे वो हमारी तरफ आ जाएगा वो खींचतान में नहीं जाएगा कहीं भी। हमारे कुल का नहीं होगा तो रोज रोज सुनाते रहो कोई असर पड़ने वाला नहीं। और बाबा करना चाहिए तो बहू के आदिल हो जाना चाहिए। वो भी आए वो तो ठीक है अमृत वेले बैठ करके संकल्प करो पूरा परिवार जल्दी ज्ञान में आ जाए। लेकिन ये थोड़े ही क्या वो विरोध करती है तो हम क्या करें? बाबा ने तो बोला है न कुछ संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। हम राजा क्वालिटी की आत्मा है तो हम दूसरों के आधीन रहेंगे वो हमारे आधीन रहेंगे। फिर घर में रहकर कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। सुनने में क्या हर जाए एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। सुनना पड़ता है बाबा ने सुनने के लिए मना थोड़ा ही किया। ये भी तो कहा कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो इसलिए भगवान ने दो कान दिए। तीव्र पुरुषार्थ कैसे होगा? एक कहावत है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। हाँ ज्यादा टाइम तन मन धन समय संपर्क संबंध सारा ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो शिव बाबा अपने आप खींचे। बाप के लिए छोटा सा हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी बनाओ सफल करो सफल करो। जो सफल किया वो सफल हुआ या नहीं हुआ? सफल हुआ या नहीं हुआ? सफल हुआ ना तुमको यहाँ मिल गया ना जो पाना था तो असली चीज मिल गई तो सफल नहीं हुआ।
और कहाँ सफल हुआ? अरे भाई इसका मतलब तुमको अभी भगवान नहीं मिला? हाँ भगवान मिला तो और क्या चाहिए? हे भगवान, बाबा ने मुरली में बोला कि गीता पाठशाला में हिंदी में बात करनी है। बाबा ने बोला है मुरली में कि गीता पाठशाला में जाएंगे तो हिंदी में बात करनी है, लेकिन बच्चे बहुत से ऐसे हैं कि मराठी नहीं बात करते, हिंदी में बात करेंगे वो मराठी में बात करेंगे बाबा। तो उन्होंने जिस गीता को पहचाना होगा वो सारे जगत की अम्मा होगी, भारत माता को नहीं पहचाना होगा। गीता भारत में सुनी जाती है, गीता जयंती भारत में होती है कि विदेश में होती है? भारत में होती है। तो भारत में हिंदी बोली जाती है कि दूसरी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। हाँ अभी सबके बाबा मुरली में बोल रहे हैं, अभी सबकी डल अवस्था है, सबकी डल अवस्था है, सबकी डल अवस्था है, फिर अष्टदेव कौन बनेंगे? है छोड़ के क्यों? फिर कहेंगे 108 को छोड़ के, फिर कहेंगे 1008 को छोड़ के, फिर बाद में कहेंगे 16,108 को छोड़ के। ऐसे नहीं, उनको छोड़ के क्यों? उनकी अच्छी है ना, उनकी अच्छी तो हम ही तो है उसमें। बाबा ने लक्ष्य 8 का दिया कि लक्ष्मीनारायण बनने का लक्ष्य दिया? तो लक्ष्मीनारायण भी छोड़ दिया, 8 भी छोड़ दिया। है अच्छी बता दिया ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य, लक्ष्य तो जो ऊंचा लक्ष्य तो छोड़ दिया, छोड़ तो दिया, कहते नहीं और 8 छोड़ दो। लक्ष्मीनारायण को छोड़ दिया, आठ को छोड़ दिया, तो इसका मतलब छोड़ दिया ना। बाबा ने एक वाली में कहा है, घर गृहस्थी में रहो लेकिन इतना कमजोर मत बनो कि बीबी बच्चे अपना कहना ही ना माने। तो फिर सख्त बनना इसका मतलब क्या? सख्त बनना, कमजोर के ऑपोजिट सख्त बनना। तो उसका मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना। झगड़ा मारपीट कहाँ बताया? सुनो, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा भी बैठा हुआ है लूज, और शंकर भी बैठा हुआ है कड़क, तो मारपीट कर रहा है क्या? कमजोर की व्याख्या क्या होती है? कमजोर की व्याख्या श्रीमत को लूज छोड़ देना। कोई बच्चे ने आकर के पूछा, बाबा बहुत तकलीफ है, माँ बुढ़ी हो गई है, खाना बनाना पड़ता है, मुझे सहयोग देना पड़ता है, नौकरी जाना पड़ता है, थक जाता हूँ, अमृत वेले उठ नहीं पाता हूँ, शादी कर लो तो ज्यादा अच्छा। ब्रह्मा बाबा को नहीं सहन होता है, बच्चा बहुत दुखी है, तो थोड़ा लूज होकर के बोलते हैं, अच्छा बच्चे शादी कर लो, पवित्र रह के दिखो। ये तो अलौकिक बात है, लौकिक में लौकिक अलौकिक, लौकिक तो लौकिक को ही अलौकिक बनाना है। तो अज्ञानी आत्मा के साथ रहना पड़ता है, अज्ञानी आत्मा के साथ रहना पड़ता है। तो पहले हम भी तो अज्ञानी थे, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया उनको भी तो अज्ञानी के साथ रहना पड़ा। अज्ञानी को जब ज्ञान दिया जाता है तो उनके साथ रह करके बात नहीं करनी पड़ती है। वरदान बाबा देतात का? तुम्ही म्हटले हे पण प्रत्यक्ष वरदानच झालं, बाबा येते बाबा वरदान देणे बोलते, वरदान देणे केले बोले नाही, बाबा प्रत्यक्ष सामने देख वरदान देते ना, हे बाई उनको बोलते पहले वरदान देते थे, अभी अभिशाप देते हैं। अभी तो जो जो बात की बोलते हैं वो सब वरदान है, बाबा ने जो बोला तो करा।
सिख लोग कहते हैं जो बोले तो निहाल। बाबा की मुरली होने के बाद में बाबा जब निकलते हैं तो सभी बाबा को चिपकते हैं, बाबा को खींचा तान करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं ना बाबा? अव्यक्त स्टेज नहीं बनी है। वो दिखाते हैं कि हमारी अव्यक्त स्टेज नहीं बनी है, हम हमारा नंबर बाद में लगने वाला बाबा हाँ, और प्रत्यक्षता होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बाबा कहते हैं आगे चल के सब नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे कौन क्या बनने वाला है। इधर तो इधर दुनिया वालों के सामने बाहर जाके भी शो करते हैं। तो बाहर वाले दुनिया वालों को नहीं पता चलेगा इनका क्या नंबर बनने वाला है? माला ऐसे ही घुमाते रहे बाहर वाले, बाहर वाले भी तो माला घुमाते हैं, तो उन्हें पता चलना चाहिए ये हम जो माला घुमाते हैं वो कौन से नंबरों की माला है, है? उनको नहीं पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा। नजदीक है तो आपस में निकल के क्लास करो, तब तक जब कोई अच्छा युगल निकल आए तो गीता पाठशाला खोल लेना, क्योंकि हमारी जिंदगी का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो जो सिखाने वाले हों वो भी युगल होनी चाहिए। तब तक क्लास करो आप अपनी बैठ कर दें। आपके क्लास में जगह नहीं रही अभी? क्या एलिवेटर से चल रहा है? अच्छा हो गया, पुणे में हो गया बाहर में। कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा पूरा 84 जन्म लेती है या नहीं लेती है? हैं? उसको सतयुग मिलेगी, शुरू करेगी, और आप यहाँ से ही शुरू कर देते हो। आप तो कच्चन काया बनावेंगे, तो आपका एक जन्म इधर से ही शुरू हो रहा है संगम युग से, उनका सतयुग से शुरू होगा, है? तो आपके तो 9 जन्म हो जाएंगे और उनके सतयुग में 8 जन्म होंगे, तो सतयुग में 8 जन्म, अगर उनके त्रेता में 12 ही जन्म हो तो कितने जन्म हुए उनके? है 20 जन्म हुए, उनको 21 जन्म का प्राप्ति कहाँ हुई? तो त्रेता में उनके होते हैं 21 जन्म, 13 जन्म, और सतयुग में 8 जन्म। ब्रह्मा के भी कितने जन्म? 13 जन्म, और उनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं, जो भी प्रजा बनेगी सतयुग में, वो सारी प्रजा त्रेता में जाकर के 13 जन्म लेगी, इसलिए उसका नाम पड़ गया त्रेता। और
तीन बार ज्ञान रत्नों से खेलेगी तो वो कौन खेलेगी, कैसे खेलेगी? हैं? तीन बार ज्ञान रत्नों से खेलेगी तो वो कैसे खेलेगी? जैसे शास्त्रों में कह दिया है, ब्रह्मा ने शक्ति रची फिर बिगाड़ दी, फिर शक्ति रची फिर बिगाड़ दी, फिर रची फिर बिगाड़ दी, तो कहाँ की बात है? संगम युग में तीन बार ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया और चौथी बार में काम बन गया। जो बताते हैं बाबा जगदम्मा दिल्ली में जन्म नहीं लिया और कोई कहता है दिल्ली में जन्म लिया है। दुनिया में ऐसा शहर कौन सा है जिस शहर में सात धर्म वालों ने राजाई की है? दिल्ली। दुनिया का ऐसा शहर कौन सा है जिसके मौसम के ऊपर सारी दुनिया का मौसम का मदार है? ऐसा दुनिया का शहर कौन सा है जिसके लिए वाणी में बोला गया है दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है? एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित, एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन हो जाती है। तो सारी दुनिया का मदार किसके ऊपर हुआ है? दिल्ली के ऊपर हुआ ना, तो दिल्ली के ऊपर सब की नजर है। अगर वाणी में क्या बोला, दिल्ली के ऊपर सब की नजर है, बाप की भी नजर है। तो सारी तुलसी और तुलसी। एक बात का तो पूरा जवाब ले लो। दिल्ली के बारे में क्या बोला? दिल्ली के बारे में सुनो है, दिल्ली जो है वो तो जड़ दिल्ली है जो अंग्रेजों ने पत्थरों की बनाई क्या? हाँ। और ये चैतन्य दिल्ली है क्या? चैतन्य दिल्ली है लेकिन लाल पत्थरों की है। लाल पत्थर माना, लाल पत्थर माना क्रांतिकारी। जो झंडे का रंग है उसमें ऊपर कौन सा रंग दिखाई रहता है? लाल रंग दुनिया में क्रांति कर देता है। पहले ज्ञान की क्रांति फिर खूनी क्रांति। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा जब महाकाली बनती है लाल लाल जीभ लपलपा के तो क्या हो जाता है? सारे ब्राह्मणों की दुनिया में क्रांति हो जाती है। बिना क्रांति के शांति नहीं हो सकती। तो दिल्ली बीज है, दुख का भी बीज है और दुख का भी बीज है। दिल्ली सारी दुनिया की माता है क्या? है। जब दिल्ली झूठी बनती है, कब्रिस्तान बनती है, तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बन जाती है। दिल्ली जब परिस्थान बनती है तो नंबर वार सारी दुनिया में परिस्थान बनता है। बाद में दिल्ली के ऊपर सारा मदार। दिल्ली जड़ और दिल्ली चैतन्य। काली तुलसी और हरी तुलसी, और हरी तुलसी जो हरी तुलसी है वो घरों में लगाई जाती है। हाँ। कमरों के अंदर नहीं लगाई जाती, कमरे के बाहर आंगन में लगाई जाती है। कमरे के अंदर कौन बैठते हैं और कमरे के बाहर कौन बैठते हैं? दास दासी बाहर बैठते हैं और राजा रानी अंदर बैठते हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण बने होंगे वे हो गए राजा रानी। और काली तुलसी और गोरी तुलसी कोई भी तुलसी हो
उस तुलसी की पूजा तो होती है ना, कुछ पवित्रता तो धारण की होगी बाप के साथ रह करके, लेकिन पूरा वफादार वफादारी नहीं निभाई। तो पूरी वफादारी न निभाने के कारण उनको फिर दास दासी के रूप में बाहर बैठना पड़ता, कहते मीरा दासी। मीरा दासी का गायन है कि नहीं, तीन कवि हुए एक साथ, सूरदास, तुलसीदास और मीरा। मीरा भी दासी और तुलसी भी दास। किसके दास हैं? नहीं नहीं, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? जो तो कालिदास जी हैं? क्या रत्नावली माने? अवली माने कतार, लाइन, रत्नों की कतार, ला माला जिसके पास हो। तो ज्ञान रत्नों की माला किसके हाथ में होती है? है? अभी ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया सबसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन उन एडवांस की ज्ञानी आत्माओं के बीच में सबसे ज्यादा ज्ञान रत्नों का भंडार, ज्ञान रत्न किसके हाथ में है? नहीं, प्रजापिता तो देने वाला है, लेने वालों में किसके हाथ में है? जगदम्बा। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है और जगदम्बा राज राजेश्वरी भी बनती है, तो रत्नावली भी है। क्या? काय की अवली? रत्नों की अवली। और एक तो काली, एक महाकाली, एक गोरी, एक अकाली। हाँ, काली, अकाली और महाकाली। अभी जो वही तो बात पूरी करने जा रहे थे, एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी। तो हरी तुलसी घर गृहस्थ में रहती है क्या? और जो काली तुलसी है वो घर गृहस्थ में नहीं रह सकती, वो कहाँ रहती है? जंगल में रहती है, कांटों के जंगल में। वो घर में लाके उसको रखो तो पनपेगी नहीं, और बाहर की खुली हवा में पनपती रहती है। तो कोई पाठधारी होगा यज्ञ के अंदर, कि जब तक यज्ञ के अंदर रहा महीने दो महीने तो पनपा नहीं, और बाहर की दुनिया में चला गया तो पनपता रहा। हाँ जी, अब चलो अंदर।